नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। पानी में ही मलेरिया का लार्वा पनपता है, जिसकी वजह से कई गंभीर बीमारियां होती हैं। यदि हम इस लार्वा को खत्म करना चाहते हैं तो हमें गंदे पानी के उपयोग से बचना चाहिए। जब पानी एक जगह एकत्रित होता है, वहां मच्छर अपना लार्वा शिक्षित करते हैं। इसी से डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियाँ होती हैं, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक भी होती हैं। यह बात स्कूली बच्चों स्टाफ को मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर साहेब कुरैशी CSC विजयपुर ने बच्चों को मच्छर का लार्वा दिखाकर बताई कि किस तरह से पनपने वाली परिस्थितियों को साफ करके जल भराव जरूरी है। साथ ही RVS के चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र खरे स्टाफ द्वारा बच्चों का परीक्षण भी किया गया। विजयपुर से खबर हरपल के लिए पंकज श्रीवासी की खबर। बहुत छोटी छोटी और मोटी चीज है। गर्मी के बाद क्या होगा? बारिश आएगी। बारिश आएगी, पानी भर जाएगा गड्ढों में, फिर क्या होगा? अच्छा, बहुत बढ़िया। इसकी ताली बजाओ चलो। ऐसे एक एक करके सारे लोग बताओ, कुछ लड़कियों में से भी बताया करो। मच्छर पैदा होंगे, मच्छर क्या करेंगे? काटेंगे। मच्छर के काटने से क्या होगा? मलेरिया, डेंगू, दो बीमारी हो जाती है मलेरिया मच्छर के काटने से। कौन सी? मलेरिया और डेंगू। फिर हम क्या करते हैं? मच्छर काटता है तो बुखार आता है, फिर क्या करते हैं हम लोग? कहाँ जाते हैं? कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं बताओ? विजयपुर में किसके पास? करंदागढ़ के पास जाते हैं।